हम सभी मानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माँ का है, पर क्या जीवन में पिता की भूमिका माँ से कहीं कम है? मैं अपने पिता को एक शिक्षक के रूप में देखता हूँ, एक रक्षक के रूप में देखता हूँ। जब भी मैं किसी संकट में होता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि यदि मेरे स्थान पर मेरे पिता होंगे तो क्या करेंगे। अपने पिता के प्रति अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक कविता पिता के नाम। जो बालक के मन में उद्यम का दीप जलाता है, जिसका प्रेम नेत्रपूर्ण कहलाता है, जो बाल की सफलता का सरताज कहलाता है, जो सपूत के हृदय का ताज कहलाता है, वह पिता है जो बाल की साक्षरता का प्रथम अक्षर कहलाता है। बाल के पालन में निस्वार्थ योगदान निभाता है, खिलखिलाहट की आस में घोड़ा तक बन जाता है, काम में पूर्णतः मोह न पाता है, रात को चैन से सो न पाता है, वह पिता है जो बाल की हर चाह भांप जाता है। बाल को वह सामान्य चाल सिखाता है, थक कर भी प्रेमवश मुंह में खिलाता है, बाल की हर फरमाइश के आगे झुक जाता है, अपनी शान समझ सीने से लगाता है, वह पिता है जो बाल में विश्वास की लौ जलाता है। कभी शिक्षक तो कभी रक्षक कहलाता है, बाल के रोधकों का भक्षक कहलाता है, दिन भर दफ्तरों की ठोकरें खाता है, पर बाल के लिए सरिया की दीवार बन जाता है, वह पिता है जो हर संकट से बचाता है। बाल को अनुशासन का मूल्य पढ़ाता है, विश्व की दौड़ में उसकी नींव टिकाता है, दौड़ में अंत तक साथ निभाता है, पर सफलता से मात्र खुश हो जाता है, वह पिता है जो हमारा भविष्य सजाता है, जो हमारा भविष्य सजाता है। धन्यवाद।